प्यार फिर चढ़ा खुमार, आशिक हुआ फरार तो तमिलनाडु से प्रेमिका पहुंची बिहार। ये है मीनू कुमारी जो उड़ीसा की निवासी हैं, और इनके साथ हैं लाल बाबू राय जो सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रेम प्रसंग का यह अनोखा मामला सामने आया। यह युवा तमिलनाडु में युवती के साथ कुछ दिनों तक रहने के बाद गायब हो गया, जिसे ढूंढती हुई लड़की उसके गांव पहुंच गई, जिसके बाद दोनों की शादी करा दी गई। दरअसल इस प्यार की शुरुआत तमिलनाडु में हुई थी, जहां उड़ीसा की लड़की से सीतामढ़ी के युवक को प्यार हो गया। 2 साल तक दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहे, लेकिन एक दिन अचानक लड़का अपनी प्रेमिका को छोड़कर सीतामढ़ी भाग गया। इसी बीच लड़के की शादी भी तय हो गई, लेकिन तभी उसकी प्रेमिका की एंट्री हो गई। लड़की तमिलनाडु से भागकर अपनी मोहब्बत को पाने के लिए सीतामढ़ी के सोनबरसा पहुंच गई। बताया जा रहा है कि लड़की का नाम मीनू है जो उड़ीसा की निवासी है, और युवक का नाम लाल बाबू राय है जो सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड के मड़िया का निवासी है। दोनों तमिलनाडु में सिलाई का काम करते थे, वहीं दोनों में इश्क हो गया, लेकिन 2 साल तक अफेयर चलने के बाद भी लाल बाबू राय प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए सीतामढ़ी लौट आया। लेकिन 30 वर्षीय मीनू को अपने मोहब्बत को पाने की चाह थी और वो तमिलनाडु से भागकर सीतामढ़ी पहुंच गई। फिर मीनू ने थाने में उक्त युवक के विरुद्ध शिकायत दर्ज की, जिसके बाद प्रेमी प्रेमिका के परिजनों के सहमति से दोनों की शादी मंदिर में करा दी गई। प्रेमी इस दौरान प्रेमिका से बचने के लिए तमिलनाडु के लुधियाना और बनारस भागा, लेकिन आखिरकार मीनू ने अपने प्रेमी को ढूंढ ही लिया और उससे शादी रचा ली। फिलहाल दोनों की शादी करा दी गई। बताया जाता है कि युवक अपनी प्रेमिका को छोड़कर 5 बार भागा था, लेकिन आखिरकार मीनू ने अपने प्रेमी को पा लिया और उससे शादी रचा ली।